नमस्कार, मैं हूं रोहित जुगलाम। स्वागत कर रहा हूं आपका इस वीडियो में, जहां पर आज मुकाबला होने जा रहा है आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच। मच एंटिसिपेटेड मैच है और आप कह सकते हैं कि इस सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक बात तो ये कि दो ताकतवर टीमें, दो शानदार कप्तान टकराएंगे। इसके अलावा जो एक बड़ी बात है वो ये कि इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफायर वन में पहुंच जाएगी, यानी वो टीम टॉप नॉच खत्म करेगी इस टूर्नामेंट को, ये लगभग तय हो जाएगा। तो ऐसे में एक एक कर दोनों टीमों की बात करेंगे, और जब दोनों टीमों की बात करेंगे तो प्लेइंग 11 की चर्चा करना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए शुरुआत करते हैं आरसीबी से, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। क्या विराट कोहली सीएसके के खिलाफ मिली हार के बाद कुछ बदलाव करेंगे या फिर अपनी टीम पर भरोसा जो है उनका वो कायम रहेगा? प्लेइंग 11 किस तरह से हो सकती है, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। देवदत्त पड्डीकल, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देवदत्त पड्डीकल तो होंगे ही। एरॉन फिन, जिनका लगातार खराब फॉर्म हमें देखने को मिला इस पूरे आईपीएल में, उनको भी मौका मिलेगा। विराट कोहली कप्तान है, हालांकि जो एरॉन फिंच को लेकर लोग कई बार ये भी कह रहे हैं कि पार्थिव पटेल को मौका दे देना चाहिए एज एन ओपनर, लेकिन शायद वो होता हुआ नहीं दिख रहा। विराट कोहली ऑब्वियसली कप्तान। नंबर चार पर एबी डिविलियर्स, जो कि विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे। उसके बाद मोइन अली को मौका दिया जा रहा है। छठे नंबर पर गुरकीरत सिंह आएंगे, जिनको आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने एक मुकाबले में नंबर तीन पर भी भेजा था कोलकाता के खिलाफ। उसके बाद क्रिस मॉरिस, फिर वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, उमेश यादव की इस बार वापसी बताई जा रही है। नवदीप सैनी और उमेश यादव, क्योंकि नवदीप सैनी इंजर्ड हो रखे हैं, उनके जो थंब में लगी थी गेंद वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है उनके लिए, तो इंजरी की वजह से क्या उमेश यादव वापस आएंगे देखना दिलचस्प होगा। युजवेंद्र चहल और फिर मोहम्मद सिराज, तो ये जो है ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस वक्त पे नजर आ रही है। जैसा मैंने बताया कि नवदीप सैनी एक पोस्ट चेंज हो सकता है इंजरी की वजह से। सीएसके के खिलाफ खेलते हुए उनके जो थंब में गेंद लगा था, और उसके बाद जो फिजियो हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनका अगला मुकाबला खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो देखना दिलचस्प होगा। पोस्ट चेंज भी होता है तो क्या होता है, और क्या उमेश यादव की उससे वापसी होगी, क्योंकि उमेश यादव जब स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें मौका दिया गया था तो एक्सपेंसिव रहे थे हर मुकाबले में, और उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, टेस्ट स्क्वाड, उसमें भी उमेश यादव को जगह मिली है, यानी कप्तान का भरोसा भी है उन पर, क्योंकि जो आरसीबी के कप्तान हैं आपको पता है वही टीम इंडिया के भी कप्तान हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये चैलेंज करेंगे मुंबई इंडियंस को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। रोहित शर्मा को लेकर बड़े सवाल हैं, और इसके अलावा क्या और कोई चेंज आप देख रहे हैं मुंबई में, उसका जिक्र अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को लगता है प्लेइंग 11 में कोई और खिलाड़ी आना चाहिए तो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।